फाइनली पाकिस्तानी मार्केट में मोबाइल फोन्स की प्राइसेस कम हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद वकास अरशद फ्रॉम टेक क्रेज यूट्यूब चैनल। और भाई जितने भी ब्रांड्स फंक्शनल है पाकिस्तान में, उन सब की प्राइसेस में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। काफ़ी सारे ऐसे फोन्स हैं भाई जिसमें 10-10 हज़ार रुपए की प्राइस कम हुई है। आपको दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर हर एक मॉडल की क्या पहले प्राइस थी, क्या अब प्राइस है, और भाई आगे चल के चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड फॉलो लाजमी कीजिएगा। लिस्ट यहाँ पे भाई मैंने आपके लिए बनाई है। टेक्नो की तरफ से दो मॉडल्स की प्राइसेस कम हुई हैं भाई। टेक्नो स्पार्क 10 4GB 128GB वाला जो फोन था, इसकी पहले प्राइस थी 37,000 रुपीज और अब इसकी प्राइस हो चुकी है 35,000। और इसी के अंदर जो प्रो मॉडल है टेक्नो स्पार्क 10 प्रो 8GB रैम 128GB की स्टोरेज वाला, इसकी पहले प्राइस थी 45,000 रुपीज और अब इसकी प्राइस हो चुकी है 40,000 रुपीज। तो इसमें 5,000 रुपए का डिफरेंस मिला। इसी तरह इन्फिनिक्स की तरफ से भी दो मॉडल्स की प्राइसेस कम हुई हैं। इन्फिनिक्स हॉट 30 की पहले 44,000 प्राइस थी, 4,000 के डिफरेंस के साथ अब ये हो चुका है 40,000 का। और इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD की पहले प्राइस थी भाई 24,000 रुपए और अब इसकी प्राइस कर दी गई है 22,000 रुपए। खैर टेक्नो और इन्फिनिक्स की तरफ से इस टाइम बाकी फोन्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं वो यहां पे आप लोग नजर आ रही होंगी। Xiaomi की तरफ से काफी सारे फोन्स की पाकिस्तान में प्राइस कम हुई है भाई। सबसे पहले Redmi Note 12 6GB रैम 128GB की स्टोरेज वाला, इस फोन की पहले प्राइस थी 60,000 रुपए और भाई इसके अंदर सीधा आपको 5,000 का डिफरेंस मिला है, 55,000 रुपए इसकी प्राइस कर दी गई है। उसके बाद भाई Redmi Note 12 Pro जो कि अभी पाकिस्तानी मार्केट में दोबारा से लॉन्च हुआ है 4G के अंदर, इसकी पहले 100K प्राइस थी और सीधा 10,000 का डिफरेंस आया है, 90K प्राइस कर दी गई है। ये वो प्राइस है जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लेकिन आगे काफी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी प्राइसेस कम हुई हैं वाकई और आपको शायद उनके बारे में ना पता हो। बताने का मकसद यही होता है कि भाई आप फोन लेने जाएं तो आपके पास लेटेस्ट नॉलेज उस फोन का मौजूद हो। अब भाई Redmi A2 Plus ये नया फोन आया था भाई अभी कुछ ही दिन पहले, इसकी प्राइस थी पहले 25,000 रुपए, 2,000 का डिफरेंस है, 23,000 रुपए इसकी प्राइस हो गई है। और ये 3GB 64GB वाले वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह Redmi 10 ने 4GB 128GB वाला जो पहले 43 की प्राइस में सेल हो रहा था, अब उसकी प्राइस कर दी गई है 33,000 रुपीज। 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस Redmi 10 ए के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। Redmi 10 C की प्राइस मैंने कम होती हुई अभी तक नहीं देखी, लेकिन होपफुली यहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद भाई Redmi 10 ए 3GB 64GB वाला फ़ोन पहले 39,000 का सेल हो रहा था और इसमें भी 10,000 का डिफरेंस आया है और ये 29,000 का हो चुका है। Redmi A1 Plus के अंदर भी दो वेरिएंट्स हैं जिनकी प्राइस कम हुई है। 3GB 32GB वाला वेरिएंट पहले 27,000 का था और अब उसकी प्राइस हो चुकी है 24,000 रुपए। और 2GB 32GB वाला वेरिएंट पहले 24 का था, अब इसकी प्राइस हो चुकी है 20,000 रुपए। 4,000 का डिफरेंस आपको इसमें भी मिल रहा है। इसके बाद Sparx के काफी सारे फोन्स की प्राइस कम हुई है भाई। सबसे पहले Neo 7 Pro है 4GB 64GB वाला, भाई पहले 27,500 का था और अब ये 26,500 का है, 1,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप इसके अंदर मिल रहा है। Spark Neo 5 Plus भाई 3GB 64GB वाला पहले 26,500 का था और अब ये 23,000 रुपए का हो गया है, तो इसके अंदर हमें काफी ज्यादा ड्रॉप मिला है। Spark S सीरीज के भी तीन फोन सस्ते हुए हैं। Spark S9 2GB 32GB वाला पहले 19 का था, अब 27 का हो चुका है। Spark S6 2GB 32GB वाला पहले 17,500 का था, अब 16,500 का हो चुका है। और Spark S3 2GB 16GB वाला पहले 16,000 का था और अब 15,000 का हो चुका है। आगे Realme और Vivo की तरफ से भी प्राइस कम हुई है भाई, वो भी आप लोग देख लें। Realme में C सीरीज का C30 3GB 32GB वाला पहले 24,000 का था, 2,000 के डिफरेंस के साथ अभी 22,000 रुपए का हो चुका है। इसी तरह C30 के अंदर आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट भी मिलता था जो पहले 28,000 का था, इसमें भी 2,000 का डिफरेंस है, 2,000 की कमी आई है और अब 26,000 रुपए का हो गया है। C33 4GB 64GB वाला भाई पहले 37,000 का था, 2,000 रुपए के प्राइस डिक्रीज के साथ 35,000 का हो चुका है। और Realme के अंदर C35 इनका काफी फेमस मॉडल था, दीज डेज सेल हो रहा था, 4GB 128GB वाला वेरिएंट भाई पहले 60,000 का था, 10,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस के साथ ये फोन हो चुका है 50,000 रुपए का। और Vivo की बात करें तो Vivo की तरफ से फिलहाल मुझे यहाँ पे एक मॉडल की कंफर्मेशन मिली है, लेकिन मैंने सुना है इसमें और भी काफी सारे मॉडल्स हैं जिनकी प्राइस कम हुई है। तो Vivo Y02T 4GB 64GB वाला वेरिएंट पहले 40 का सेल हो रहा था और 36 में कर दिया गया है, 4,000 रुपए के प्राइस ड्रॉप के साथ। iTel की तरफ से भी दो स्मार्टफोन्स हैं जिसमें iTel S23 है, ये पहले 36,000 का था, अब 31,000 का हो गया है। और इसी तरह iTel P40 जो पहले 28,000 का था और अब इसमें तकरीबन 1,000 का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ये थे वो कुछ फोन्स भाई जिनकी प्राइस कम हुई है और होपफुली आगे इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारे फोन्स की प्राइसेस में कमी आएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं डॉलर भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है और भाई मार्केट के अंदर स्टॉक वाला मसला भी थोड़ा
थोड़ा बहुत हल करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ भाई मोबाइल फ़ोन्स की सेल में कमी आ गई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस इतनी ज़्यादा कम करनी पड़ी हैं कंपनियों को। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।